चेक करो यार, नेशनल पार्क में अपन गाड़ी चला रहे, अपनी बाइक चला रहे हैं यार, नेशनल पार्क में कितनी बड़ी बात है। अच्छा क्रश है बाइक आपका यार, अरे क्या बात है, टेनाल लवर देख रहा हूँ हर कहीं मिल जाते हैं। गाइस चेक करो, जिस चीज का हम सबको इंतजार रहता है वो यही वाला पार्ट है, मोटोब्लॉग्स ही लिखा हुआ है भाई। लो हमारे सब्सक्राइबर भी मिल चुके हैं भाई, हमें देख के बोल रहे देखा भी है। हेलो एवरीवन, मैं सरहान, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। सो गाइस आई होप यू आर डूइंग सो वेल। सो गाइस आज है डे 3 और आज हम जा रहे हैं रिटर्न बैक हमारे घर, और आज मौसम भी बड़ा शानदार हो रहा है कल की तरह। और रेवर भाई बेचारे और हम लोग ने रूम की हालत देखो कैसी कर दी, ये खड़े हमारे रेवर भाई बड़े अफसोस में, रेवर भाई कह रहे कि तुम जा रहे हो हम अकेले हो जाएंगे, मैंने कोई नहीं, तुम झांसी आना, फिर अपन इंशाल्लाह कहीं राइड प्लान करते हैं, फिर हम लोग कहीं जाएंगे घूमने। तो गाइस चलो करते हैं अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट, फिर निकलते हैं सीधा झांसी के लिए बाइक पर। इस फाइनली अपने बाइक को निकाल दिया अपनी पार्किंग एरिया से बाहर, और हमारे गुफ्फू भाई क्यों इंतजार करोगे अगली बार, चलो चलते हैं अपन, करते हैं अपनी बाइक को कॉल स्टार्ट। सामने पब्लिक रिएक्शन नोट करते हैं गाइस, सामने पब्लिक खड़ी है, पार्क वाले हाईवे पर आ चुका है, और अब यहाँ से मेरे को सीधा लेना है 10 किलोमीटर के बाद राइट टर्न, लेफ्ट टर्न लेना है मेरे को, फिर सीधा निकलेंगे अपन झांसी, और झांसी की डिस्टेंस आपको पता है कि 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है यहाँ से 10 किलोमीटर करने के बाद। तो गाइस चलो चलते रहो, सामने से ट्रक आ रहा है शुक्री, अच्छा खासा पानी गिर रहा है, रात को भी पानी गिरा था, रास्ते में पानी ना मिले, धूप आ रही है, मज़ा आ रहा है राइड करने का, जलवा ही आ गया मेरे चार राइडिंग इज लव। गाइस पता आपको ये पूरा नेशनल पार्क का ही एरिया है, भले ही एंट्रेंस गेट आगे हो बट ये पूरा नेशनल पार्क लगता है। अब ये पूरी बाउंड्री देख रहा हूँ, ये नेशनल पार्क की ही बाउंड्री है, ये देखो छोटी छोटी बाउंड्री बनी हुई ना इस साइड और इस साइड दोनों, तो एनिमल्स क्या करते हैं एक दूसरे आगे क्रॉस कर जाते हैं, लोगों को देखने को मिलते हैं हमेशा, मोस्टली अभी हिरन देखने को मिलते हैं, टाइगर तो नहीं मिला देखने को लेकिन हिरन तो काफी देखते हैं, हिरन हुई, नीलगाय हुई, काफी चीजें दिखती हैं देखने को, शेर मिले तो मजा आए ना। और थोड़ी सी रोड भी यहाँ की डैमेज है, तो अपन ज्यादा स्पीडअप नहीं ले रहे हैं, और स्पीडअप क्या नॉर्मली चल रहा है, बस अपन को 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो अपन को यहाँ रोड पे खत्म करना है, क्योंकि थोड़ी सी रोड डैमेज है यहाँ की, अदरवाइज तो रास्ता तो बहुत ही ज्यादा शानदार है। आपने हाईवे चेक करा होगा, कितना अमेजिंग हाईवे है, चेक करो यार, नेशनल पार्क में अपन गाड़ी चला रहे, अपनी बाइक चला रहे हैं यार, नेशनल पार्क में कितनी बड़ी बात है। रोड्स के लिए टेनार तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, आप एडवेंचर बाइक लेकर आओ सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के लिए, लेकिन इतना उतनी रोड तो चल जाती है टेनार यार, अगर हाईवे मिल जाए ना टेनार का तो फिर वो धाड़ती है शेर की तरह। कहीं से भी मैंने चेक किया था, जो बोर्ड लगा हुआ था जो रोड के साइड में लग रहा था, झांसी का डिस्टेंस यहाँ से 78 किलोमीटर तो पर रह रहा था, 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में यहाँ से, काफ़ी मज़ा आ रहा है, धूप इतनी तेज़ नहीं हो रही है, मौसम में बड़ी ठंडा के तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, रोड साइड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और आप यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ फर्टिलाइजर लैंड जाएंगे, खेती देखने को मिल रही है, ऐसे सरसों लगी हुई है, ऐसा बोलते हैं ना छोटे छोटे कीड़े, जब ये सरसों लगी रहती है तो राइट साइड छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो आँखों में चले जाते हैं मोस्टली, जिस जिसकी आँख में कीड़ा गया है वो छोटा छोटा सा ब्लैक कलर का मेरे कॉमेंट सेक्शन में बता रहा है कि भाई मेरी आँख में जा चुका है। और सामने चेक करो कितना शानदार नेचर हो रहा है यार, सच बात है यार, आप कितना भी अच्छा घर बना लो, कितना भी अच्छा महल बना लो, लेकिन जो नेचर के आगे ना सब फेल है यार, कुदरत की बात ही अलग होती है माशाल्लाह से। गाइस चेक करो, जिस चीज़ का हम सबको इंतजार रहता है वो यही वाला पार्ट है, जो मेरे को इधर आके ना इतना अच्छा लगता है गाइस, बस इस पहाड़ के बीच में ना जो गाड़ी चलाने का मज़ा है ना, वो एक राइडर ही जानता और एक ड्राइवर जानता होगा ट्रक वाला, जो फील आता है ना गाइस, एक ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ ही चल रहा है यार, कहाँ ही चल रहा है, आप लोग इमेजिन कर रहे होगे शायद से, फील करो थोड़ा बहुत तो यार, कि मतलब कैसा लगता है, आप सोचो पहाड़ के बीच में से चल रहा है यार, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है यार, आने वाले टाइम में लोगों ने सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर रोड डलेगी, ये तो पहले शुक्री से झांसी वाला जो हाईवे हुआ करता था, हाईवे के साथ एक सिंगल रोड हुआ करती थी, वो उस साइड हुआ करती थी, मैंने भी नहीं देखी आज तक, ना ही मैं उस रोड पर गया हूँ, मेरे को ऐसा बताते हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स कि पहले झांसी यहाँ से नहीं जाते थे, झांसी पहले वहाँ से जाते थे, बड़ा एक पतला दुबला सा पुल कहते थे, बड़ा पतला सा एक पुल था, वहाँ से बस जाती थी, वो पुल थोड़ा बहुत हिलता भी था, लोग डरते थे बस बैठने वाले कि यार कि आराम से निकल जाए बस, ऐसा सुना है मैं, मजा तो कर ही रहो आप लोग, अब आप लोगों के लिए तो बड़ा इजी है यार गाइस, अगर आपके पास चमक छल्लो है कि तो फील तो नहीं लोगे आप लोग राइडिंग का यार, ऐसी जगहों पे और ऐसी लोकेशंस पे, और चेक करो सामने कितना शानदार लग रहा है यार,
लग ही नहीं रहा है खेत है, लग रहा किसी ने कलर कर दिया हो। गाइस एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, बस बता रहा वाली, जब मेरे पास डोमिनार हुआ करती थी आज से 4-5 साल पहले, तो फैजान और मैं सोचो कितने छोटे होंगे 4-5 साल पहले, तो मेरी क्या ही एज होगी। तो वो फैजान और मैं आए थे इस वाली राइड पे, तो झांसी से शुपरी, सोचो उस टाइम में राइडिंग करते थे हम लोग डोमिनार से, और मेरे को अच्छे से याद है विदाउट हेलमेट आए थे हम लोग, हम लोग की आँख में इतने कीड़े जा चुके थे, और हम लोग हर जगह रोक रोक के आँख एक दूसरे के कीड़े निकालते थे, भाई देखने चला गया यार निकाल दो उसको क्लीन कर दो। और गाइस पता हम लोग ने इस वाली रोड पे अपनी डोमिना 170 चलाई थी। अगर आपको ये पहली बार झूठ लग रही तो फैजान हुसैन को मैसेज करके पूछ लो, उससे पूछना कि हम लोग ने ये वाली रोड पे 170 चलाई थी। और भाई मैंने तो बाइक चलाई नहीं थी पूरी, बाइक फैजान ने चलाई थी, मैं तो सिर्फ पीछे बैठा था। मैंने फैजान भाई बहुत स्पीड हो रही है क्योंकि जब हम लोग 400 cc चलाते थे, सोचो यार इतनी बड़ी बात है। भाई चेक करो झांसी शुपरी 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और गाइस एक चीज़ और बता दूँ, ये वाले पूरे ब्लॉक का क्रेडिट जाता है शोएब को, क्योंकि मेरे GoPro की दोनों ही बैटरी जा चुकी थी। और आपको पता है कि मैं तो सिर्फ घर से निकला था, मैंने सोचा था मैं रिटर्न बैक घर आ जाऊँगा, इसलिए मैंने अपने ना चार्जर लिया था, ना सेलफोन का चार्जर लिया था, ना अपने GoPro का चार्जर लिया था, कुछ भी नहीं लिया था। मैं तो ऐसे सोचा था मैं रिटर्न बैक अभी घर आ जाऊँगा थोड़ी सी देर में, राइड करके एक शॉर्ट राइड थी। तो भाई कसम से मेरे दोनों ही दिनों में मेरी दोनों ही GoPro की बैटरी जा चुकी थी। फिर रात की मैंने 12 बजे शोएब को कॉल करा, मैंने कहा भाई टाइप सी केबल है तुम्हारे पास और चार्जर दे जाओ मेरे को। मैंने फर्स्ट टाइम अपने मीडिया मोड के साथ USB टाइप सी से चार्ज करा हुआ है, लेकिन क्रेडिट भाई शोएब को जाता है पूरे ब्लॉक का यार। मैंने तो मैं परेशान हो जाता, अगर मेरे को चार्जर नहीं मिलता ना तो आज ब्लॉक शूट नहीं हो पाता। और बाकी इतना बेकार हो गया है क्योंकि सभी एपिल यूज़र हैं, तो टाइप सी किसी के पास मिलती ही नहीं है यार, सबके पास एप्पल का चार्जर, एप्पल का चार्जर। भाई क्या है ना कि मेरे को भी एंड्रॉइड फोन लेके साथ में चलना पड़ेगा। गाइस फाइनली तुम्हारा भाई ने 50 किलोमीटर कवर कर लिया है, करेरा आ चुका है। यहाँ से झांसी का डिस्टेंस रहने वाला है 48 किलोमीटर, और मे बी सामने लिखा है झांसी 43 किलोमीटर, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता था। तो झांसी 43 किलोमीटर बचा हुआ है और हाइट बहुत ज़्यादा सेफ जा रही है, शुक्र अल्लाह, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। वेदर बहुत ज़्यादा साथ देता है ना जब ऐसे मौसम में, देखो ऐसा मौसम होना तो राइडिंग करने में जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, अगर आप सोलो जा रहे हो तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता सच में यार। और सामने हमारी गौ माता, आराम से चलाना है अपन को, राइड के मजे लेते चले जाना है गाइस। और शादी चल रही है, किसी को इनवाइट होना तो आ जाए। कई सवाल यहाँ से 37 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मैं सोच रहा हूँ कहीं पर स्टॉप ले लूँ, मेरे को अपना हेलमेट का वाइजर क्लीन करना हो, मेरे को पता नहीं कि GoPro के लेंस पर शायद से कीड़े लग ही गए होंगे मेरे, क्योंकि जब मेरे हेलमेट पर लग रहे हैं तो GoPro के लेंस पर भी लग रहे होंगे। तो मैं देखता हूँ कहीं अच्छी जगह मेरे को मिलती है तो मैं कहीं पर स्टॉप लेता हूँ, कहीं जगह मिल जाए मेरे को बढ़िया। कोई शुक्र की गाड़ी पर को मिलती हुई स्विफ्ट डिजायर, अगर कोई मिलने वाला है तो मेरे को बताना यार कि भैया मैं ही था, वो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को। गाइस फिलहाल में मेरे को एक लोकेशन दिखी जो मेरे को अच्छी लगी, मैं यहाँ पर लेता हूँ स्टॉप। अपनी बॉडी को भी ज़रूरत है यार हाइड्रेशन की, हम लगाते हैं अपनी गड्डी को कहीं साइड में। और काफ़ी जगह मेरे को ढाबे मिले बट मेरे को वहाँ पर रुकना नहीं था, क्योंकि ऐसी जगह आप देख रहे हो ना इतनी कीचड़ वगैरह थी वहाँ पर, मेरे को नहीं लग रहा था कि अपनी ब्यूटी को गंदा करना, तो मैंने ही रुका। और ये मेरे को ढाबा थोड़ा अच्छा लगा तो मैंने क्यों ना यहाँ पर स्टॉप लिया जाए, कहीं लगाते हैं। अच्छा क्रश है बाइक आपका यार, अरे क्या बात है, टेनाल लवर देख रहा हूँ गाइस, हर कहीं मिल जाते हैं। हाँ कौन है, हैं आप लोग आ रहे हो क्या? रेहान मोटो ब्लॉग्स ही लिखा हुआ है भाई, लो हमारे सब्सक्राइबर भी मिल चुके हैं भाई, हमें देख के बोल रहे हैं देखा भी है। सही बताओ, सही बता रहा हूँ मैं तो, सब नहीं देखता हूँ जी, देखते हैं सेवान का भी देखता हूँ, जानू स्टैंड का भी। अरे क्या बात है भाई, तो बहुत तगड़ा वाला निकला बाइक लवर यार। चलो अपन अपने करते हैं अपनी बाइक को लॉक और अपन जाते हैं। बिल्कुल भाई ले लो यार सेल्फी, आप बाइक साइड रहो। हाँ चल करा जा ये आपका। चलो गाइस भाई लोगों के साथ सेल्फी ले लेते हैं, ये लोग कह रहे हैं यार मेरी सेल्फी। अरे भैया पूरी फोटो शूट ना करवाओ। चलो यार ऐसे अच्छा लगता है जब प्यार करने वाले मिलते हैं यार। चलो चलते हैं अपन, पीते हैं अपनी चाय और अपना करते हैं हेलमेट का वाइजर क्लीन। क्या भाई 300 जाती है, 299 तो जाती ही है। हाँ चलो ओके भैया। फिलहाल मैंने लिया अभी याले ढाबे पे स्टॉप, अगर कोई आया उससे पहले तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। वो खड़ी है अपनी प्यारी सी ब्यूटी, और वहाँ पर भैया लोग अपनी बाइक को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भैया टेन आर है, और अपना देखो क्या शानदार लग रहा है ना विराजा यार। और भैया यहाँ पर हमारा हेलमेट देख रहे हैं, और हेलमेट की कंडीशन देखो गाइस कितनी बेकार हो चुकी है, कितने कीड़े कीड़े हो देखो, GoPro वोप्रो सब गंदा हो चुका, मैंने थोड़ा बहुत क्लीन भी कर दिया। और ये हमारी चाय आ चुकी है, तो गाइस चलो चाय को एंजॉय करते हैं, अपना वाइजर क्लीन करते हैं और निकलते हैं झांसी के लिए, काफ़ी लेट भी हो चुके हैं, तो मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पर।
फाइनली तुम्हारे भाई ने चाय पी ली है। चाय तो इतनी ज़्यादा अमेजिंग नहीं थी, मैंने थोड़ी सी आधा ही कप पिया हुआ है। और मेरे को मेन पर्सपज था जो मेरे को अपना वाइजर क्लीन करना था, मैंने अपना वाइजर क्लीन कर लिया, अपने गोपरे का लेंस क्लीन कर लिया और काफ़ी लोग उधर मिले। एक तो मेरा सब्सक्राइबर ही निकला, तो काफ़ी अच्छे लोग उनसे बातचीत करके। और जहाँ से यहाँ से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस में, तो बस मोस्टली आधे घंटे के अंदर मैं कवर कर लूँगा। सेफली राइड जा रही है और मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। मौसम बहुत अच्छा साथ दे रहा है, क्योंकि जो ठंडक मेरे को लग रही है ना, मज़ा आ रहा है मेरे को राइडिंग करने में। एक माहौल मिल रहा है और एक फील मिल रहा है। और सोलो राइड तो यार सोलो ही है यार, गड्डी ऑन रोड, गड्डी ऑन रोड। और गाइस पता है इंस्टा 360 से इतने शानदार शॉट्स आ रहे हैं। जिसने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो जाए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करे, अपने भाई को प्यार दिखाए। और झांसी यहाँ से 29 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, और कानपुर है 258 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हो तो 29 किलोमीटर जल्दी से कवर करें अपने और अपने घर जाएं और मम्मा को कॉपी दें, क्योंकि मम्मा की याद आ रही है, 3 दिन हो गए हैं। सोचो मैं निकला था थोड़ी सी देर के लिए कि मतलब मैं रिटर्न बैक अपने घर आ जाऊंगा, बट हुआ ऐसा कि 3 दिन मेरे को नहीं पता था कि यार कि मैं 3 दिन स्टे कर जाऊंगा। 3 दिन तो नहीं, कम से कम 3 दिन हो जाएंगे मेरे को। 2 दिन तो मैंने स्टे करा ही है और तीसरा दिन आज मेरे को हो जाता अगर मैं आज स्टे कर जाता वहाँ पर। लेकिन कोई नहीं, बहुत जल्दी अपने राइड आ रही है। अरे यार गाइस हमारा टोल प्लाजा आ चुका है और ये पहला और आखिरी टोल है जो कि हमें झांसी से पहले पड़ता है। और मेरा मैसेज आया टक से, अपन टोल नहीं देने वाले हमेशा की तरह, तो अपन साइड से निकल जाएंगे। गाइस काफ़ी सेफ गई राइड अलहमदुल्ला। यहाँ से झांसी 10 to 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही होगा और पहले रक्षा पड़ेगा फिर झांसी सिटी। तो गाइस आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो और ऐसे साथ बने रहो और बस साथ मिलके इंजॉय करेंगे और डेस्टिनेशन ना मिलके ना अपन कवर करा करेंगे। यार आप लोग बस सपोर्ट करो, अपने भाई को मोहब्बत दिखाओ, प्यार दिखाओ, अपने छोटा भाई मान दो, बड़ा भाई मान दो, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई के लिए, एक दिल तो बना ही देना। इतनी मेहनत होती है यार राइडिंग में। गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं राइड करके आ रहा हूँ, मेरी बाइक थोड़ी बहुत गंदी हो गई, तो मैं सोच रहा था कि अगली राइड में मेरे को हेल्प हो जाएगी, तो मैं कार ऑफ कार एंटरटेनिंग भी आ चुका है, तो मैं ना क्यों ना अपनी बाइक वॉश करा लेता हूँ। तो गाइस अपन चलते हैं और अपनी एक्स्ट्रा शाइन के लिए, तो कार ऑफ कार एंटरटेनिंग। गाइस जिसको भी अपनी बाइक पे और कार पे बीपे वगैरह कराना हो तो आप बिल्कुल से कार ऑफ कार एंटरटेनिंग पे आके कॉन्टैक्ट करो। गाइस चेक करो मेरी बाइक पे, आपको कहीं से लगेगा नहीं कि मेरी बाइक पे पूरी करवा रही है बीपीए पे, कहीं से भी आप पकड़ नहीं पाओगे भाई आपकी बाइक में पीपीएफ हो चुकी है। तो अपन चलते हैं कार अवतार डेटिंग, अपन हम कराते हैं अपन अपनी बाइक को वॉश। और नेक्स्ट राइड में मेरे को भी हेल्प रहेगी कि मेरे को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि बाइक गंदी हो रही क्या हो रही है। कार अवतार डेटिंग शायद से बंद है या खुल गया है, गाइस ओपन हो चुका है स्टोर। अब यहाँ पर अपन कराएंगे अपनी बाइक को वॉश अच्छे से। गाइस फाइनली शुक्र अल्लाह मैं आ चुका हूँ झांसी सेफली और राइड बहुत ज़्यादा अमेजिंग रही है। और मैं आ चुका हूँ कार अवतार डिटेलिंग, यहाँ अपनी बाइक की चल रही है वॉशिंग। और ये आपको पता है कि हंसा स्कूल के जस्ट सामने कार अवतार डिटेलिंग है। तो गाइस जिसको भी अपनी बाइक पे कार पे पीपीएफ वगैरह कराना हो, वॉशिंग वगैरह कराना हो, तो आओ कार अवतार डिटेलिंग पे आके कॉन्टैक्ट करो। गाइस आई होप आपको यार ब्लॉग में मजा आया और ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। दोस्तों न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कॉमेंट, और मिलते हैं नए ब्लॉग में गाइस।